तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पत्सियों और लंच बनाने का आज मूड नहीं था, इसलिए आज हम लंच करेंगे। और लंच में आज खाने का मन कर रहा है मैगी, तो लंच में मैगी खाएंगे आज हम। लंच में चलेगा मैगी और चाय पीनी है, तो ले से जब आप पत्सियों का जो आर्मी का बेस है उसको क्रॉस करोगे तो ये पड़ेगा आपको। तो भाई स्नोबॉल शुरू हो गया, आप देख सकते हैं नोकी फ्लिक्स थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और आप पीछे देखिए कितना मस्त मौसम हो रहा है, उधर पीछे तो ना बहुत ही तगड़ी वाली स्नोफॉल हो रही है। और अभी हम उधर से ही आए, बट आप पहले नहीं हो रही थी, बट आप उधर होने लग गई है। और मेरा तो मन कर रहा है मैं वापस से उधर से ली जाऊं, उधर चोटियों पे काफी स्नो गिर गया है। देखिए इस साइड, हमारे साइड तो अभी कम है पर उस साइड बहुत ज्यादा स्नो गिर रहा है। ये देखिए शीशे पे आपको दिख रही होगी बड़ी बड़ी, ये यहाँ पे है, सब जगह दिख रही है। बहुत ही मस्त वाला मौसम हो रहा है। तो गाइज स्नो फॉल हो रहा है बढ़िया वाला और आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हुआ होगा। कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लग रहा है आगे, वो कंस्ट्रक्शन जोन है। और कलवा हो गया, कलवा नोजी दिखाओ अपनी, देखो नोजी जल गई पूरी। और गाइस देखो लद्दाख इफेक्ट, धूप में पूरा चेहरा मेरा झुलस गया अच्छे से। मजा बहुत आया ट्रिप में, अल्टीमेट जानदार नजारे, शानदार लोकेशन, लेकिन रिस्क बहुत है। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, खासकर सेडान गाड़ी से अगर आप जा रहे हो तो पूरा ध्यान रखना भाई। तो गाइस फाइनली 1.5 घंटे के बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ और अभी पहले मनाली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को छोड़ रहे हैं, उधर से गाड़ियां निकल रही हैं, फिर इधर का ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। तो ये देखिए उधर से गाड़ियां आ रही हैं। गाइस फाइनली 2 घंटे के बाद रास्ता खुला है और अब हम लोग निकल पाए। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो इस वजह से सारा रास्ता ब्लॉक था, पहाड़ी काट दी थी इन लोगों ने। 2 घंटे लेट हो चुके हैं हम लोग, मतलब कल से मनाली के लिए निकले हैं बट आज का भी पूरा दिन हो गया, अभी तक मनाली नहीं पहुंच पाए। पता नहीं कल से कौन से मुहूर्त से निकले हैं, कल भी रोक दिया गया था चेक पोस्ट पे, तो हम लोगों को बिल्कुल अनडिसाइडेड रूट से जाना पड़ा जो कि बिल्कुल ही बेहद ही ज्यादा वाला खराब था। राम राम करते रहे कैसे भी करके हम मेन मतलब हाईवे पे आ पाए। और आज भी सुबह टाइम से निकले थे, 8:30 बजे हम लोग पांग से निकल लिए थे और उसके बावजूद देखिए 3:30 बज रहे हैं, अभी तक हम मनाली के आसपास भी नहीं है। तो गाइस हम लोग दारचा चेक पोस्ट से आगे निकल चुके हैं और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं रास्ते में। तो गाइस हम लोग जिस्पा आ चुके हैं, तो यहाँ पे काफी सारे होम स्टे हैं रुकने के लिए और कैंपिंग साइट्स भी हैं। तो गाइस स्टिंगरी आ गया है और अभी यहाँ से किलोंग 6 किलोमीटर रह गया है और हमें डलवाना है पेट्रोल गाड़ी में, और किलोंग से पहले कहीं पेट्रोल पंप मिलता नहीं है।
गाइस हम लोग केलोंग में आ चुके हैं और कोई पेट्रोल पंप देख रहे हैं अगर मिल जाए तो, क्योंकि गाड़ी में रिजर्व लग चुका है। तो पेट्रोल कल हमने ब्लैक में खरीदा था 15 लीटर, उसके पास 15 ही लीटर था और उसके पास इतना ही था। तो देखते हैं आप कहीं पेट्रोल पंप मिलता है तो पेट्रोल भरवाना है, उसके बाद आगे निकलेंगे मनाली के लिए। दादा यहाँ पे पेट्रोल पंप है कहीं पे आगे? ठीक। तो अभी ने एक ड्राइवर भैया से पूछा था तो उन्होंने बोला कि आगे है, चलो देखते हैं कितना आगे है। तो गाइस हम लोग शिशु विलेज से 13 किलोमीटर पहले हैं और क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी सी लोकेशन थी तो मैंने कहा लाओ आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तरफ हरा भरा एरिया, एक तरफ स्नो पड़ रही है ऊपर पीक्स पे, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। नीचे प्यारे प्यारे से खेत भी दिखाई दे रहे हैं। 8-10 दिन हो गए हमें इस ट्रिप पे जाए हुए, इतना चेंज लग रहा है एकदम से, ऐसा लग रहा है कि ग्रीनरी और ज्यादा बढ़ गई है, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में। और आज मौसम पूरा सुबह से खराब है। तो गाइस शिशु विलेज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और ये यहाँ पे कुछ कैंपिंग साइट्स भी हैं और काफी स्नो पड़ गई है पहले से। यहाँ पे भी काफी सारे होम स्टे हैं, जैसे कि आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, यहाँ पे रूम अवेलेबल, ये देखिए लिखा है होम स्टे रूम अवेलेबल। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शिशु वैली, खूबसूरत सी शिशु वैली और खूबसूरत सा वो झरना जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था जब हमने अपनी लेह ट्रिप शुरू की थी, तब मैंने आपको दिखाया था। अभी फ्लो थोड़ा और भी बढ़ गया है इसका, लेकिन मस्त। तो शानदार सी घाटी है, मजेदार लोकेशन और हेलीपैड जो है वो भी बना हुआ है। तो यहां तक हम कई बार आ चुके थे, उस टाइम मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी। तो अब जब हमने लेह किया तब पहली बार मैंने ये देखा ऐसे बिना स्नो के, तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तो गाइस हमने यहीं से शुरू किया था अपना व्लॉग जिस दिन हम लेह के लिए निकले थे और सकले तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आएंगे आपको, इतना स्किन ना जल चुकी है सनलाइट से। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, घूमना फिरना जरूरी भी जरूरी होता है। तो फाइनली हम शिशु आ गए हैं, आप मनाली में देखते हैं कहीं पे रुकने का, और अभी आगे का कुछ प्लान पता नहीं है इसलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो गाइज फाइनली लेह का ट्रिप होता है एंड यहाँ पे। हाँ। और आई होप मैंने जितना दिखाने की कोशिश करी उतना आप लोगों को भी पसंद आया हो। हाँ। थोड़ा सा खड्डे वगैरह बहुत ज्यादा थे तो थोड़ा सा वीडियो शेकी रहे होंगे। गाइज अभी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से ट्रैवलिंग वीडियोस बनाने का, तो ये है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगी आगे आगे जी। हाँ। तो उसके लिए अगर आपको अगर कुछ चीजें समझ अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो इम्प्रूव करें उन चीजों को। जिन जिन चीजों की कमी रही है वो प्लीज आप हमें बताइएगा ताकि हम उसको इम्प्रूव करें और अच्छी बेहतर क्वालिटी आपको हम दिखाएं ताकि आपको देखने में और ज्यादा मजा आए। और वैसे भी शिशु विलेज के आगे मेरा हम लोग पहली बार ही गए थे लेह लद्दाख, तो मुझे जगहों के नाम भी याद नहीं थे और नेटवर्क नहीं रहता, नहीं तो मैं गूगल करके भी पता लगा सकता हूँ। तो बस गाइज व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है क्या चीज पसंद आई क्या चीज पसंद नहीं आई, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मजा आया होगा आज का व्लॉग मैं करता हूँ एंड। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लिविंग इन सेडान। बाय बाय।